वेलकम टू स्टडी क्लासेस। हम लोग फिजिक्स में सेमीकंडक्टर की चर्चा कर रहे हैं। इंटरमीडिएट फिजिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार। ये 14वां चैप्टर है और इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करनी है आज, अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी। एनालॉग परिपथ और डिजिटल परिपथ दो प्रकार के परिपथ होते हैं। एनालॉग परिपथ आप पढ़ चुके हैं, वह परिपथ जिनमें वोल्टेज और धारा समय के साथ लगातार बदलता है वह एनालॉग परिपथ कहलाते हैं। जैसे आपने अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ पढ़े हैं वो एनालॉग परिपथ है, उसमें समय के साथ धारा और वोल्टेज का मान प्रति क्षण बदलता रहता है, तो ऐसे परिपथ जो होते हैं वो एनालॉग परिपथ है। डिजिटल परिपथ क्या है? वह परिपथ जिनमें वोल्टेज अथवा धारा के केवल दो स्तर होते हैं, शून्य तथा कोई निश्चित मान। वह सिग्नल जिसमें वोल्टेज अथवा धारा के केवल दो स्तर होते हैं डिजिटल सिग्नल कहलाता है, यानी शून्य और कोई एक निश्चित मान। तो इस तरीके का जो परिपथ होता है वो डिजिटल सर्किट या डिजिटल परिपथ कहलाता है। और डिजिटल परिपथ में जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें दो प्रकार के अंकों का प्रयोग किया जाता है, जीरो और एक। जीरो का मतलब है नहीं, यानी ऑफ, और एक का मतलब है ऑन। ऑन स्थित के लिए एक और ऑफ स्थित के लिए जीरो का प्रयोग करते हैं। हमको यहाँ पर लॉजिक गेट मुख्य रूप से पढ़ने हैं, पांच लॉजिक गेट पढ़ने हैं, तीन मूल गेट और दो संयोजन से गेट। और इनका एक क्वेश्चन निश्चित आपको मिलना है परीक्षा में, इनकी ट्रुथ टेबल, इनका बूलियन व्यंजक यानी सत्यता सारणी, ये आपको बनाने के लिए निश्चित पूछा जाता है दो नंबर में। आज के लेक्चर से आपको दो नंबर मिलना ही मिलना है, आप ढंग से इसको तैयार करें। तो लॉजिक गेट क्या है? ऐसे डिजिटल परिपथ जिसमें इनपुट और आउटपुट यानी निवेशी और निर्गत सिग्नल के बीच कोई तर्क संगत संबंध होता है वो लॉजिक गेट कहलाते हैं। ऐसे डिजिटल परिपथ जिसमें निवेशी और निर्गत सिग्नल के बीच कोई तर्क संगत संबंध होता है उसको हम लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट का जो प्रकार है मूलतः तीन प्रकार के होते हैं, आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। सबके लिए एक तर्क युक्त प्रतीक होता है और एक सत्यता सारणी होती है, एक बूलियन व्यंजक के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। सत्यता सारणी क्या है? किसी लॉजिक गेट की सत्यता सारणी वह सारणी है जो उस गेट के लिए सभी निवेशी और निर्गत के बीच संबंध को दर्शाती है, यानी सभी निवेशी और निर्गत के को दर्शाने वाली जो सारणी है वो उसकी ट्रुथ टेबल यानी सत्यता सारणी कहलाएगी। बूलियन व्यंजक क्या है? वह व्यंजक जो दो बूलियन चरों के ऐसे संयोग को दर्शाता है जिससे हमको एक नया बूलियन चर प्राप्त होता है, बूलियन व्यंजक कहलाता है। तो हम चर्चा करते हैं मुख्य टॉपिक पर, जो क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, आर गेट का है। आर गेट क्या है? दो निवेशी होते हैं या एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो निवेशी चर ए और बी होते हैं और एक निर्गत हमको मिलता है, यानी ए और बी और इनसे जो हमको निर्गत मिलेगा वो वाई मिलेगा, और इसको जो होगा ये वाई बराबर ए प्लस बी लिखा जाता है, लेकिन ए प्लस बी पढ़ा नहीं जाता है, ए आर बी पढ़ते हैं इसको, ए आर बी इक्वल्स वाई। तो ये इसका लॉजिक प्रतीक हुआ और इसका बूलियन व्यंजक हो जाएगा y बराबर a प्लस b, और इसको पढ़ते हैं a r b इक्वल्स y, a r b इक्वल्स y पढ़ते हैं। दो निवेशी और एक निर्गत से प्राप्त होता है और जो इसकी ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी, निवेशी बनाएंगे आप इनपुट और आउटपुट, आउटपुट क्या है y इक्वल टू ए आर बी, और इनपुट क्या हैं दो हैं a और b, a जीरो b जीरो। अगर दोनों इनपुट अनुपस्थित हैं तो आउटपुट भी अनुपस्थित है, और a एक है यानी a है b नहीं है तो आउटपुट मिलेगा हमको, a नहीं है b है तब भी आउटपुट मिलेगा, और अगर a भी है b भी है तो भी आउटपुट। ये ट्रुथ टेबल हो गई और इतना आप अगर बना देंगे तो आपका ये दो नंबर हो गया। तो
ये बात हुई आर गेट की। इसी प्रकार से अगर हम एंड गेट की बात करें, एंड गेट, तो इसमें भी दो निवेशी होते हैं और एक निर्गत होता है, और इसका जो लॉजिक प्रतीक है इस तरीके से बनेगा। संकेत सबके अलग अलग हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको ए इंटू बी लिखा जाता है, लेकिन ए इंटू बी पढ़ा नहीं जाता है, ए एंड बी पढ़ा जाता है। ए एंड बी इक्वल्स वाई, ए एंड बी इक्वल्स वाई पढ़ा है। और इसकी भी ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी, उसी प्रकार से ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो हमारे पास वही इनपुट ए बी और आउटपुट जो होगा निर्गत y इक्वल टू ए एंड बी। अब जो हमारा निवेशी दोनों नहीं है, माने दोनों जीरो है, तो आउटपुट भी जीरो, जीरो है ये एक है तो भी जीरो होगा, एक है जीरो है तो ये भी जीरो होगा। लेकिन जब दोनों इनपुट हैं तो हमको आउटपुट मिलेगा। दोनों में अंतर है, आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब दोनों इनपुट रहेंगे तो हमको आउटपुट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कम से कम एक इनपुट रहेगा तब भी आउटपुट मिलेगा। तो ये बात हुई एंड गेट की। ये सत्यता सारणी हो गई, बूलियन व्यंजक हो गया, यहाँ पर बूलियन व्यंजक आपका ये हो जाएगा ए एंड बी इक्वल्स वाई। तो और तीसरा जो मूल गेट है वो है नॉट गेट, सेकेंड हो गया। थर्ड है नॉट गेट, इन्वर्टर गेट भी इसको कहते हैं। इन्वर्टर गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्वर्टर में इसका प्रयोग होता है, और यहाँ पर हमको आउटपुट तभी मिलता है जब इनपुट नहीं होता है। इसका संकेत इस तरीके से हो जाएगा y इक्वल टू ए नेगेटिव, ये बूलियन व्यंजक हो जाएगा, ए नेगेटिव इक्वल्स y पढ़ते हैं इसको, a नेगेटिव इक्वल्स y इसको पढ़ते हैं, नॉट a इक्वल्स y या a नेगेटिव इक्वल्स y, नॉट a इक्वल्स y पढ़ते हैं या a नेगेटिव पढ़ते हैं। और इसकी ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी, एक ही इनपुट होता है ये आपको ध्यान रखना है, और एक ही आउटपुट होता है a, और आउटपुट आपका हो जाएगा y इक्वल टू a नेगेटिव। तो जब इनपुट जीरो तो आउटपुट एक, और जब इनपुट एक तो आउटपुट जीरो, यानी जब इनपुट है तो आउटपुट नहीं रहेगा, और जब आउटपुट है सॉरी जब इनपुट नहीं है तो आउटपुट मिलेगा। इन्वर्टर में इसी गेट का प्रयोग होता है, इसीलिए कहा जाता है कि इन्वर्टर तभी काम करता है, माने इन्वर्टर हमको आउटपुट तब देता है जब लाइट नहीं होती। इनपुट है तो आउटपुट नहीं मिलेगा, और इनपुट नहीं है तो आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से ये गेट हुई, मूल तीन गेट होते हैं। गेटों के संयोजन से दो गेट और प्राप्त किए जा सकते हैं। मूल गेट तीन ही हैं, एंड गेट, आर गेट और नॉट गेट। दो गेट गेटों के संयोजन से प्राप्त होते हैं, जिनको हम क्रमशः नैंड गेट और नार गेट कहते हैं। नैंड गेट क्या है, नैंड गेट नॉट गेट और एंड गेट के संयोजन से बनता है। नैंड गेट का जो संयोजन है वो एंड और नॉट गेट के संयोजन से प्राप्त होगा। यानी अगर हम दो इनपुट ले लें ए और बी, और इनको एंड गेट से जोड़ दें, तो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो y इक्वल टू ए एंड बी मिलेगा। अब इस पर अगर एक नॉट गेट लगा दिया जाए तो जो आउटपुट मिलेगा, इसको y डैश कह लीजिए, y इक्वल टू ए एंड बी नेगेटिव। तो फाइनल जो इसका लॉजिक परिपथ होगा वो ये बनता है, इसको ना बना के हम ये बनाते हैं,
और इसी के आगे नॉट गेट के लिए इस तरीके से लिख दिया जाता है ए एंड बी नेगेटिव, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट। ये ना बना के हमको यही बनाना है कि हमने आपको समझाने के लिए बताया कि एंड गेट पहले लगा देते हैं, जो आउटपुट होता है वो फिर नॉट गेट से मिलकर हमको फाइनल आउटपुट देता है। और इसको ए एंड बी वाई इक्वल्स, यानी ए एंड बी नेगेटिव इक्वल्स वाई करते हैं, ए ए एंड बी नेगेटिव और पढ़ते हैं ए एंड बी नेगेटिव इक्वल्स वाई, ए एंड बी नेगेटिव इक्वल्स वाई पढ़ते हैं इसको। और जो ट्रुथ टेबल हो जाएगी उसको भी बनाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, बहुत आसानी से बन सकती है अगर आप समझ लेंगे। इस तरीके से आप समझने के लिए हम बता रहे हैं, फिर अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फाइनली बनाएंगे। ये आपका इनपुट हो गया ए एंड बी और ये हो गया आउटपुट। कौन सा? दो आउटपुट है, एक वाई डैश है, वाई डैश क्या है ए एंड बी, और फिर आपको मिलेगा आउटपुट y इक्वल टू ए एंड बी, तो 0 0 1 0 0 1 और 1 1। आपको पता है कि एंड गेट की ट्रुथ टेबल है, हमको आउटपुट तभी मिलता है जब दोनों इनपुट होते हैं, माने हमको यहाँ आउटपुट मिलेगा बाकी आउटपुट नहीं। तो ये हुआ एंड गेट से, और चूंकि यहाँ नॉट गेट लगा हुआ है तो 0 है तो 1 0 है 1 0 है 1 और 0। अब आपको ये ट्रुथ टेबल परीक्षा में नहीं बनानी है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि नैंड गेट की ट्रुथ टेबल बनाइए तो आपको ये बनाना है। हमने केवल आपको समझाने के लिए बताया ए बी और यहाँ आप इनपुट लिखेंगे, और आपको इस आउटपुट से कोई लेना देना नहीं, आपको फाइनल आउटपुट लिखना है। फाइनल आउटपुट क्या है? ए एंड बी नेगेटिव 0 0 1 0 0 1 1। और हमको आउटपुट क्या मिला? जब दोनों इनपुट हैं तो नहीं मिलेगा, अन्यथा हमको आउटपुट मिलेगा। तो यह आपकी जो ट्रुथ टेबल हुई नैंड गेट की ये बनेगी, और इसी प्रकार से जो इसका सेकंड होगा वो होगा नॉट गेट। गेटों के संयोजन से एक दूसरा गेट जो बनेगा वो नॉट गेट होगा। नॉट गेट कैसे बनेगा? नॉट और आर के संयोजन से, यानी दो इनपुट अगर हम लगा के और आर गेट लगा देते हैं तो हमको इस तरीके से जो वाई डैश मिलेगा वो ए आर बी मिलेगा, और फिर इस पर जब हम नॉट गेट लगाएंगे तो वाई इक्वल टू ए आर बी नेगेटिव मिल जाएगा। यानी इसको हम क्या लिखेंगे, जो इसका बूलियन व्यंजक होगा। यहाँ एक चीज़ और है, ये हमको नहीं बनानी है परीक्षा में। परीक्षा में बनाने के लिए हमारे पास इस तरीके का ये लाजिक परिपथ होगा, और इसी के आगे नॉट गेट ऐसे जोड़ दिया जाता है, यानी कि हमको y मिलेगा ए आर बी नेगेटिव, ए हो गया b हो गया, और इसको पढ़ते हैं ए आर बी नेगेटिव और ए आर बी नेगेटिव इक्वल्स y। और अब ट्रुथ टेबल की बात करें अगर हम, तो ट्रुथ टेबल क्या होगी? उसी प्रकार से दो इनपुट, यहाँ हम दो आउटपुट बना रहे हैं, लेकिन वो ट्रुथ टेबल आपकी परीक्षा के लिए नहीं है, केवल समझने के लिए। ए बी हो गया, आउटपुट हो गया वाई डैश इक्वल टू ए एंड बी, और यहाँ पर आउटपुट जो हमको मिलेगा वो वाई इक्वल टू ए एंड बी नेगेटिव। अब क्या होते हैं इनपुट? 0 1 और 1। आपको पता है जो आर गेट की ट्रुथ टेबल हमने बनाई है वो ये है। तो आर गेट की ट्रुथ टेबल ये है, तो जब ये नॉट लगेगा इस पर तो 1 0 0 0, लेकिन परीक्षा में आपको ये नहीं बनाना। तो क्या बनाना है परीक्षा में? परीक्षा में आपको अगर आपसे नॉट गेट पूछा जाए तो आपको ये ट्रुथ टेबल बनानी है। हम यहाँ बना रहे हैं इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या होंगे? दो इनपुट होते हैं बताया गया, ए और बी।
और एक आउटपुट होता है जिसको हम ए आर बी नेगेटिव, y इक्वल टू ए आर बी नेगेटिव पढ़ते हैं 0 0 1 0 0 1 1 1। तो हमको यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ 1 0 से 1 मिलना चाहिए लेकिन 0 हो जाएगा, नेगेटिव लगा है ये भी 0 हो जाएगा। तो आपको ये कुछ टेबल बनानी है, नाइन गेट के लिए ये बनानी है और इस तरीके से आपके ये पांचों गेट कंप्लीट होते हैं। लॉजिक गेट का एक प्रश्न आपको मिलना है परीक्षा में निश्चित रूप से, तीन इनपुट के लिए हो सकता है। तो जब तीन इनपुट होगा तो तीनों 0, 2 0 एक एक और 3 2 0 एक एक, 1 0 दो एक और 3 1। इस तरीके से आपके पास जो ये बनेगा कुल 8 स्थितियां बनेंगी, उनको लेकर भी आप प्रश्न कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा ये चैप्टर हुआ अंकीय इलेक्ट्रॉनिक, इसका अभ्यास करिए, सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ है ये। और चैनल पर बने रहिए, चैनल पर बने रहेंगे तो आपको तमाम जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप उनका बेहतर लाभ ले पाएंगे। जैसे एक प्रश्न ये है पूछा गया है, थोड़ी चर्चा इसकी कर लेते हैं। ए बी सी तीन इनपुट हैं और आर गेट से जुड़े हैं, ए बी सी, और ये तीन इनपुट आर गेट से जुड़े हैं और उसके बाद वाई डैश मिला है जो नॉट गेट से जोड़कर वाई बना दिया गया है और कह रहे हैं सत्यता सारणी बनानी है। सत्यता सारणी यानी ट्रुथ टेबल बनाना है। तो सत्यता सारणी बनेगी, सत्यता सारणी के पहले जो हमारा बूलियन व्यंजक होगा वाई डैश क्या होगा ए आर बी आर सी, और वाई क्या होगा वाई डैश नेगेटिव यानी ए आर बी आर सी नेगेटिव। अब जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो क्या बनेगी, इस तरीके से इनपुट आपके पास तीन हैं, ध्यान से देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट भी है। इनपुट और वाई डैश क्या है, वाई डैश ए आर बी आर सी, और वाई क्या है वाई डैश नेगेटिव ए आर बी आर सी। तो तीनों 0 माने तीनों नहीं है, फिर 2 नहीं है एक है, और 2 हैं एक नहीं है, और तीनों हैं। हमको यहां पर आउटपुट नहीं मिलेगा, बाकी सारे आउटपुट मिलेंगे, ये भी मिलेगा मिलेगा, यहां भी मिलेगा, और जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ मिलेगा बाकी हमको नहीं मिलेगा। इस तरीके से, इस तरीके से हमको, इसी तरीके का एक प्रश्न और हो सकता है ट्रुथ टेबल बनाने के लिए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए हो सकता है, ए बी सी दिया है और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से जो वाई होगा ए एंड बी एंड सी तो वाई डैश होगा ए एंड बी एंड सी, तो इसकी भी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। अंतर क्या होगा, यहाँ पर ये सारी परिस्थितियाँ यही रहेंगी, बस यहाँ क्या हो जाएगा जो हमको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा ये हमको ये 0 मिलेगा और ये सब 0 मिलेंगे, केवल हमको यहाँ पर इनपुट आउटपुट मिलेगा। और जब यहाँ मिलेगा तो ये सब एक हो जाएंगे, यहाँ 0 ये एक है 0 हो गया है तो यहाँ एक रहेगा तो 0 हो जाएगा और बाकी सब हमको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं जो हमारा आउटपुट होगा, यानी कुछ इस तरीके से हम बना दे रहे हैं वाई डैश इक्वल टू ए एंड बी एंड सी, और वाई इक्वल टू वाई डैश नेगेटिव यानी ए एंड बी एंड सी, और ट्रुथ टेबल बनाएंगे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। आपके लिए जरूरी है कि आप अभ्यास करें, बना दे रहे हैं हम ए बी सी इनपुट वाई डैश ए एंड बी एंड सी, वाई इक्वल टू वाई डैश नेगेटिव ए एंड बी एंड सी, 0 0 0 0 1 0 1 0 0
से ये आठ स्थितियां कुल बनेंगी और यहाँ हमको जीरो मिलेगा, ये सब जीरो मिलेगा, ये सब जीरो मिलेगा, केवल एक यही स्थिति ऐसी होगी जब हमको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, और जब यहाँ आउटपुट मिलेगा तो इन सब में आउटपुट मिलेगा लेकिन यहाँ नहीं। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। आप इनको निश्चित रूप से तैयार करें, अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मुझे लगता है कि इसका आप एक क्वेश्चन कर लेंगे, आपको दो नंबर में मिल सकता है, तीन नंबर में भी मिल सकता है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन सिस्टम की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। आप अपना सिलेबस तैयार करें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप किताबों का सहारा लें, वीडियो को पूरा देखें, तो आप अपना नोट्स तैयार कर पाएंगे, जिससे आपका सिलेबस अच्छे से तैयार हो जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।